हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन वी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके हिंदी शिक्षण के, ठीक है ना, जो कि इस एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम प्रश्न। तो यहाँ पर पहला है पाठ्यक्रम और पाठ वितरण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ना है। सेकंड है हिंदी शिक्षण में मौन वाचन पर प्रकाश डालिए। फिर है मूल्यांकन तथा परीक्षा में उद्देश्य की दृष्टि से अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर समाज के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बताइए, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई योजना व पाठ योजना में अंतर, ये किसी भी टाइप का हो, आपका चाहे फिजिकल साइंस का पेपर हो, चाहे आपका संस्कृत का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे हिंदी का हो, सब में ये लेसन प्लान वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे इकाई योजना, इकाई योजना किसे कहते हैं, जैसे हमारी कोई यूनिट रहती है, ठीक है ना, जैसे हम किसी यूनिट को पढ़ते हैं, जैसे हमें एक किताब दी जाती है और उसमें यूनिट रहती हैं, उस यूनिट को हम किस में सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी यूनिट 7 है तो 7.1 7.2 तो हमारे ये कहलाती है कि किसी भी इकाई योजना में इकाई को पढ़ते समय, यूनिट को पढ़ते समय उसकी सब यूनिट को, सब यूनिट में अध्ययन करना क्या कहलाता है। जैसे किसी एक इकाई को सब यूनिट में बांटकर उस यूनिट को पढ़ने की जो योजना होती है इकाई योजना कहते हैं। अब अगला है पाठ योजना के प्रकार। पाठ योजना के कितने प्रकार होते हैं, प्रकाश डालिए। देखिए हमने बताया था पाठ योजना में 5 सोपान होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे हम पाठ योजना को लिखते हैं तो पाठ योजना में जो हिलबर्ट, हमारे हर्बर्ट नामक वैज्ञानिक, इन्होंने 5 सोपान में डिवाइड किया था। सबसे पहले उनको क्या करते हैं, भावना, ठीक है ना, तो सबसे पहले उनकी भूमिका करते हैं, भूमिका यानी इसमें हमें विद्यार्थी को हम पूर्व ज्ञान का अनुभव कराते हैं। फिर उसके बाद जब भूमिका होती है तो उसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण, इसमें क्या होता है, अध्यापक उस चीज़ का प्रस्तुतिकरण करता है कि पूर्व ज्ञान होने के बाद उसमें शिक्षक किस तरीके से उसमें आपको समझा रहा है, विषय सामग्री को लेकर। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद उनमें तुलनात्मक करता है, इसमें पूर्व विज्ञान और इसमें उद्देश्य को बता दिया जाता है। फिर उद्देश्य को लेकर इसमें क्या किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो पूर्व ज्ञान और जो नवीन ज्ञान मिलता है तो दोनों में तुलना किया जाता है, ठीक है ना। तो तुलनात्मक संबंध इससे मानसिक किया है, इससे आसानी से सरल में आता है नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों। जब तुलना हो जाती है तो उसमें फिर प्रयोग कराया जाता है और प्रयोग करने के बाद उसको क्या किया जाता है, पुनरावृत्ति की जाती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति संक्षिप्त रूप में की जाती है। अब है पद्य शिक्षण के प्रमुख सोपानों का उल्लेख कीजिए, लिखना है। पत्र लेखन सिखाने की कौन सी विधियां हैं, भाषा प्रयोगशाला के महत्व पर प्रकाश डालिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्तनी की अशुद्धियों के मुख्य कारण का उल्लेख कीजिए। गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर, तो ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण की जो सहायक विधियां हैं, भाषा शिक्षण की सहायक साधनों की क्या उपयोगिता है, कौन कौन से सहायक साधन भाषा शिक्षण में उपयोग किए जाते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉरी ये लिख गया है, ये है दूसरा क्वेश्चन। पद्य शिक्षण के सोपानों को दृष्टि रखते हुए कक्षा 8 के पाठ योजना
तो लेसन प्लान आपको क्रिएट करना है और कैसे करते हैं तो हम आपको सिखा देंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है ना। आज ही हम वीडियो डालेंगे इसकी। मूल्यांकन के क्या अर्थ है, महत्व एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, बलूम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए, हिंदी शिक्षण सूचना तकनीक के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये आप तैयार करके जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।